दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बर्गर का तीसरा भाग के बारे में। शुरुआत में हमने काम शुरू किया था, जो हमारा होमवर्क शुरू किया था, हमारा इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम लोग को शुरुआत करने के लिए जो चाहिए स्टार्टिंग बेस बोला था, उसमें आप लोगों को बताया कि आप लोग बहुत सारे जो छोटा छोटा शायरी कहानी ये सब आप तैयार करके रखिएगा, आप लोग होमवर्क किया होगा पक्का। और सेकंड मिडिल लेवल पे हमने तीन हिस्सों में उसको बांटने को बताया कि आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आपका जो फ्यूचर, आपका विजन, ये तीन चीज जो है आपका कस्टमर प्रोस्पेक्ट के तरफ से जो भी आपको सवाल आता है वो सवाल का जवाब हो जाता है। ठीक है, अब दो चीज के बारे में हमने बात किया, तीसरी चीज के बारे में अभी आज बात करने वाला हूं, जो बर्गर का जो टॉप में चीज है जो बर्गर को बर्गर बनाते हैं। हम लोग जो टेस्टिमनी स्टेज पे देते हैं उसका मेन मकसद क्या है? हमारा उद्देश्य यह है कि जो कस्टमर है या प्रोस्पेक्ट है हमारे सामने बैठा है, वो व्यक्ति आपका ये जो बात सुन के इंस्पायर होके एक निर्णय ले ले कि हमारा एक प्रोडक्ट खरीदने में या हमारा बिजनेस में एज ए एसोसिएट हमारे साथ में आए, एक साथी बन के हमारे साथ में आए, उनको तैयार करना है। दैट इज द उद्देश्य। ये हमने शुरुआत से लेके यही बात कर रहा हूं कि आपका अनुभव से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, आपको एक मैग्नेट बनने में ये जो बर्गर वाला सिस्टम हेल्पफुल होगा। कारण क्या है? शुरुआत का बेस लेवल और सेंट्रल का जो कंटेंट लेवल है, ये दोनों चीज हमारा जो ब्रेन का जो लॉजिकल साइड को अटैक करते हैं। मगर जो तीसरा जो टॉपिक वाला पोर्शन है, आपने देखा भी होगा कि जो बर्गर का जो ऊपर का बन का पोर्शन के ऊपर तिल भी लगाया होगा, यू नो, वो जोर देने के लिए। तो इधर जो तीसरी जो पोर्शन होता है, वो तीसरी पोर्शन में आके आपका इमोशनल कंटेंट आना शुरू होता है। और इमोशनल कंटेंट देते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को, हम लोग ये पर्टिकुलर मोमेंट पे इमोशनल साइड को हम लोग टच करने वाले है, तो आपका वॉइस का जो पिचिंग है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। दैट इज द बेस टेक्निक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे हम टेक्निकल कोई ट्रेनिंग देते हैं तो चार घंटे का प्रोग्राम होते हैं, तो वो चार घंटे में हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए हमारा एनर्जी लेवल को हम लोग एक वेव के तरफ यूज करते हैं। मगर जो एलिवेटर स्पीकर्स होते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी कभी कभी करता हूं, जो एलिवेटर स्पीकिंग का जो बात आती है एकदम जाके ऊपर लेवल पे एनर्जी लेवल को लेके जाते हैं, तो वो उस तरीके से आपका एनर्जी को उधर चेंज करना चाहिए। इट हैज टू चेंज, मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज यूज करता हूं, क्योंकि एक हाथ में माइक रहते हैं या कुछ भी नहीं है तो सामने टेबल पे कोई बैठा है, ये जो पॉइंट पे आते हैं, जो कवरिंग पॉइंट होता है, जो टॉप पोर्शन होता है, वो टॉप पोर्शन में आके हमारा बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, वो जो टाई होता है टाई को थोड़ा टाइट करते हैं या एक बार फुल करते, या सूट है तो सूट को थोड़ा ये करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, तो मैं ये पॉइंट पे आके मैं बात करते वक्त मैं क्या करता हूं, सीधा मेरा चश्मा निकाल देता हूं, क्योंकि मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूं, मेरा पिच चेंज हो गया, कंप्लीटली लैंग्वेज चेंज हो गया, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। ये एक अनुभव आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सेकंड चीज, जब भी आप बात करते वक्त आप अगेन, मैंने जो शुरुआत में बोला, अपने आप को नीचे करके दिखा के आप जो बिल्ड करके लेके आ रहा है उधर जाकर फिर एक और बार नीचे करेंगे आप। जैसा फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा एक व्यक्ति, वो जो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन होता है या आपका पिछले का एक्सपीरियंस होते हैं, जो आपने नौकरी किया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, आपको किस तरीके का कोई भी अनुभव नहीं रहा, ऐसा एक व्यक्ति को ये बिजनेस में ये कर सकता है तो आप भी कर सकता है, ये कस्टमर से हम बात कर सकता है, क्योंकि आपने जो शुरुआत से लेके बिल्ड करके लेके आया था वो इतना ही है कि आपका जो अनुभव विथ योर बेसिक क्वालिफिकेशन, सपोर्ट ऑफ द टीम, कंपनी का स्ट्रेंथ, ये सब चीज के वजह से आपसे ये हासिल कर पाया, क्योंकि वो सरलता से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो सरलता से, जैसे मैंने बोला आपका विजन के बारे में, आपने मसाला का लास्ट पोर्शन में आपने आपका विजन के बारे में बात किया, और वो विजन को कनेक्ट करते हुए जो अगेन ब्रिज आप बनाते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं एक अचीवमेंट लेके आने वाला हूं पिछले आने वाला एक साल के अंदर, और एक साल के अंदर मेरे को ये अनुभव लेके आना है, ये अनुभव लेके आना है, तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग चाहिए, ये चीज आपको उधर बताना है। क्योंकि जो व्यक्ति जो निर्णय लेते हैं तो उसका मन में वेरी क्लियरली एक पॉइंट आता है कि मुझे क्या फायदा इससे जुड़ने से या ये प्रोडक्ट लेने से, वो पॉइंट का जवाब उधर आता है एकदम इमोशनल तरीके से, आपको उधर जाके क्लोजिंग करना है। जैसा दोस्तों
शुरू कर सकते हैं, जो आपका बॉडी लैंग्वेज ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसा मैं हासिल कर पाया तो आप भी कर सकता है, या मैं ये करने वाला हूं, मेरे साथ में रहने से आपको 100% उसमें मदद मिलेगा, इस तरीके का चीज हम लोग उसको जबरदस्त तरीके से बोल सकता है। दैट्स ऑल इट इज। जो आपने बिल्ड करके लेके आया ग्राफ ऐसा है, तो जो क्लोजिंग का लेवल पे जाके ग्राफ एकदम नीचे से ऊपर आना शुरू होता है और एकदम जाके उसको निर्णय लेने में मजबूर करते हैं, या उसको एकदम आसान लगता है। क्योंकि एक चीज याद रखना, हमारा भारत देश के अंदर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग एक हायर एजुकेशन का लेवल तक माता पिता का जो एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में हम लोग बड़ा पाला पड़ा लोग हैं, तो हम लोग को निर्णय लेना है बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जिंदगी का आधा हिस्सा जो है और कोई व्यक्ति हमारे लिए निर्णय लिया है। तो आपको वो निर्णय लेने के लिए उनको ताकत देना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, तब होके वो निर्णय ले सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वी स्पोक अबाउट द बेस, देन वी स्पोक अबाउट द कंटेंट, एंड लास्ट एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, ऑन अ एलिवेटेड पाथ यू मेक अ डिमांड एन एक्शन, डिमांड एन एक्शन। जैसा सुभाष चंद्र बोस का बहुत सारे वीडियोस आप ये देखा होगा, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस तरीके से वो क्लोजिंग करता था, आप मुझे खून दो आपको मैं आजादी दूंगा। बट वो स्पीच का पावर ऐसा है कि जो उसका एंड पॉइंट में आके ऐसा हथौड़ा मार देते हैं कि वो व्यक्ति निर्णय लेने में, ये कोई और कोई चीज नहीं है, किसी को फंसाने का कोई ये नहीं है, ये नेगेटिव मत लेना बिल्कुल, क्योंकि निर्णय लेना आज दुनिया में सबसे कठिन है, स्पेशली इन अवर कंट्री। तो इस तरीके से कठिन काम करने के लिए उसको इमोशनली हम लोग को पंपिंग करना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उसको हमारा बिजनेस के अंदर एक कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, जो ये साथ ये कंपनी के साथ में, ये टीम के साथ में, ये व्यक्ति के साथ में आने के बाद उसको 100% सक्सेस मिलेगा करके उसको एक कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। दिस इज ऑल इट इज। और कल का तारीख में मैं आपको मेरा पर्सनल टेस्टिमोनी बताने वाला हूं, मगर जो मैं बताऊंगा, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, इसी स्ट्रक्चर में बता के सुनाता हूं, और उस तरीके से आप लोग भी तैयार कीजिए। और जैसे ये जो लॉकडाउन का पीरियड खत्म होके हम लोग फील्ड में आएगा, पूरा आपका टेस्टिमोनी पावरफुल हो और आपका जो रिजल्ट है वो 10 गुना तरीके से आ जावे, ये मेरा प्रार्थना है, ये मेरा अनुरोध है। आप लोग थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, जैसा बेस लेवल का तैयारी करना, मिडिल लेवल का कंटेंट को तैयारी करना, और जो क्लोजिंग लेवल का जो तैयारी है वो भी होना चाहिए। मैं क्या डिमांड करूं मेरे कस्टमर से, मैं क्या डिमांड करूं, वो एक चीज जो है आप ध्यान दे दीजिए, 100% आप लोग सक्सेसफुल होगा। कल का एपिसोड के लिए इंतजार कीजिए। अगेन वॉच दिस सेम चैनल टुमारो फॉर बेटर एंड बेटर एजुकेशन एंड माय पर्सनल टेस्टिमनी। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।